ड्रग्स केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार को मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को जमानत देने से इनकार कर दिया। आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है, लेकिन इस मामले की सुनवाई अब 26 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को होगी। तब तक आर्यन को जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसे में आपको वो 5 कारण बताते हैं जिनकी वजह से आर्यन खान को बेल नहीं मिल पा रही है। बुधवार को हुई सुनवाई में एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की दलीलें आर्यन खान के वकीलों पर भारी पड़ गई थी। एएसजी का कहना है कि आर्यन बेहद प्रभावशाली शख्स हैं जो जमानत पर रिहा होने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके साथ ही एनसीबी के वकील का कहना है कि कुछ ऐसा ही केस अरबान कोहली का था, लेकिन उन्हें भी जांच पूरी होने तक जमानत नहीं दी गई थी। आर्यन के पास भले ही ड्रग्स नहीं मिली, लेकिन उनके साथ गिरफ्तार हुए अरबाज मर्चेंट के पास से ड्रग्स मिली है। अरबाज ने जूतों में छुपाकर रखी चरस का पाउच खुद ही निकाल कर एनसीबी को दिया था। एसजी ने कहा कि अगर शिव वहां से चला जाता तो पार्टी शुरू हो जाती और सभी आरोपी ड्रग्स लेते। शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने पूछताछ में कबूल किया है कि वे चरस पीते हैं और क्रूज पर सफर के दौरान भी स्मोकिंग करने वाले थे, लेकिन इसी बीच एनसीबी ने छापा मार दिया। आर्यन ने कोई पहली बार ड्रग्स का सेवन नहीं किया, वो पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं। एनसीबी ने अदालत में आर्यन के व्हाट्सएप चैट के सबूत दिखाए थे। एनसीबी के वकील ने दावा किया कि आर्यन खान कुछ ऐसे ड्रग पेडलर के संपर्क में थे जिनके तार इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर से जुड़े हुए थे। आर्यन खान पर जो धाराएं लगाई गई हैं वे गैर जमानती हैं। ऐसे में आर्यन को जमानत देना सही फैसला नहीं होगा। इसके लिए रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक का उदाहरण दिया गया। एसजी की दलील थी कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक के पास भी ड्रग्स नहीं मिली थी, लेकिन उसे भी चार्जशीट दायर करने से पहले तक जमानत नहीं दी गई थी।